देखा, कहा था ना सच सामने लाके रहूंगा। साहिल, तेरे इस प्रूफ से पहले सारी दुनिया भी यही कह रही थी कि विशेष ने गलत किया है। पुलिस वाले भी यही कह रहे थे, अखबार वाले भी यही कह रहे थे। मैंने कभी यकीन नहीं किया। इनफैक्ट जबरू आंटी चीख चीख कर बोल रही थी कि विशेष गलत है, तब भी यकीन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन आज ये सब सुनने के बाद अब भी मेरा दिल यही कह रहा है कि विशेष ऐसी गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। साहिल, आधा चम्मच शक और आधा चम्मच यकीन को भरोसा नहीं कहते, पर मुझे विशेष पर पूरा भरोसा है। तेरे लिए इतना सॉलिड प्रूफ लाए, तू क्या अंधी हो गई? तू पागल हो गई आशी? तूने ना अपनी आंखें बंद रखी हैं। तेरी आंखें बंद हो जाएगी तो तेरे मम्मी पापा वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो जाएंगे। वो विशेष जेंटलमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत जाएगा। अरे आशी, मैं बता दूं, तेरा दिमाग खराब हो गया। जिसने ये न्यूज कवर की है तू उसकी बात नहीं मान रही है। कल हाईकोर्ट का जज कहेगा तू उसकी बात नहीं मानेगी। तू क्या चाहती कि भगवान स्वयं धरती पर प्रकट हो जाए और चुप, एकदम चुप। विशेष के बारे में तो रहने ही दे। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो वो तू खुद कल देख लेना कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। चाय? नहीं, घर पे बन गई होगी। नमस्ते दुबे जी। अरे नमस्ते गुप्ता जी, फर्स्ट क्लास। पापा मुझे लीजिए। बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब कुछ ही महीनों में नौकरी भी लग जाएगी और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करना, ज्यादा पैसों की लालच में कोई गलत काम मत करना। पापा मैं आपसे वादा करता हूँ, लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपको सर झुकाकर चलना पड़े। पापा आज मेरी पहली नौकरी लगी है और मुझे आज भी अपना दिया हुआ वादा याद है। आपकी तरह पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, ना गलत काम करूंगा और ना गलत लोगों का साथ दूंगा। अरे अरे भाई साहब, देख के नहीं चल सकते क्या? दिखता नहीं है? मेरी थैली गिरा दी आपने। अरे भाई साहब, देख के नहीं चल सकते क्या? दिखता नहीं है? देख के नहीं चल सकते हैं? जी, कल शाम को टाइम पर भिजवा दीजिएगा और अच्छा बनाना, ठीक है ना? हाँ।
सुनील, ये डील तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले। आज एक बड़ा गेम खेला मैंने, अगर अब भी नहीं माने तो बहुत पछताएंगे वो। तुम एक साल से ना गेम्स ही खेल, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। अरे आशी, तुम इस साइकिल पर क्या कर रही हो? मम्मा एक्सरसाइज, कार्डियो और साइकिलिंग दोनों हो जाता है। आशी बाय अ ट्रेडमिल और जॉइन अ जिम, लोग हंसेंगे बेटा। मम्मा लोग तो हंसते रोते रहते ही है। अब ये सारी बातें छोड़िए, आपको याद है ना कि कल शाम 7 बजे से पहले आपको अपना सारा काम, सारी मीटिंग फिनिश करनी है। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। पापा शाम 7 o'clock। हाँ हाँ। मैंने कल शाम के लिए बहुत मस्ती वाला प्लान बनाया है। बेटा, हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या पापा? बेटा ये हमारे नए प्रॉपर्टी के टावर्स हैं, जिसका नाम हमने तुम्हारे नाम से रखा है, आशी टावर। जबलपुर के सबसे बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होंगे तुम्हारे नाम से। थैंक यू वेरी मच पापा। हाँ तो एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि कल शाम को साथ। कल शाम की बात कल शाम को ही करेंगे। यस डैड, कल हमें अच्छे से सरप्राइज देना, आज बहुत थक गए। कल सुबह जल्दी नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है तुझे, ऐसा सब नहीं सोचते। मम्मी पापा ये सारी मेहनत, ये सारी मीटिंग्स तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। ये देख प्रूफ, तुम्हारे नाम पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आशी टावर्स। एक्चुअली मम्मी पापा के मामले में साहिल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट हर मामले में गलत है। लीजिए। पता है कुछ तो बात है उस बच्ची में। देखिए ना, जब भी वो हमारे साथ होती है हमारे साथ कुछ अच्छा ही होता है। आज जब मंदिर में उसे हाथ जोड़कर खड़े देखा तो मन से बस यही आवाज निकली कि प्रभु इसकी हर इच्छा पूरी करना। तुमने क्या मन्नत मांगी? हमारे घर की सलामती मांगी, हमारे घर पर कभी कोई आंच ना आए, यही प्रार्थना की प्रभु से। सब कुछ तो कर लिया, नोटिस भिजवा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तोड़फोड़ का काम भी शुरू हो गया है, और अब तो प्रॉपर्टी की जमीन पर एक बड़ा सा बोर्ड भी बनवा रहे हैं। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं, किसी को भी जमीन पर पांव तक नहीं रखने दूंगा। आपका ये हौसला देखती हूं और मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, वरना मुझे आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। परमिशन के बिना कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता विशेष। यू नो हमारी लाइफ के हीरो हम खुद होते हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स। अगर साइड एक्टर कहे कि हीरो हीरो नहीं विलन है तो वो विलन नहीं बन जाता। विशेष, या तो रात के अंधेरे को देखो
या तो तारों की रोशनी को। फेवर भी एक रीले की तरह ही है, यू नो, फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले को सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन उसकी खुशी में आपका भी हिस्सा होगा। पूरी दुनिया इसी फेवर रीले पर चल रही है, बस भागते रहना है और फेवर पास ऑन करते रहना है। थैंक यू आशी, और सबके लिए जो तुमने मेरे लिए किया है। शेष, तुम्हारी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, इसलिए गुड लक के लिए दही और शक्कर। मुंह मीठा करवा रही हूँ एडवांस में, क्योंकि मुझे पता है जॉब के पहले दिन तुम ना चलते फट्टे कर दोगे। थैंक्स, चलता हूँ। विशेष, आज शाम 7 बजे तक घर आ जाना, पार्टी रखी है स्पेशल वाली। बाय। हेलो, हाँ अंकल जी, जी टाइम पर आ जाइएगा। और वैसे भी मुझे पता है आपकी कॉलोनी मेरी कॉलोनी से बिल्कुल दूर नहीं है, सो नो बहाना ना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, और आपने अभी तक मेरा गुस्सा देखा ही नहीं है। हाय नहीं, आज तेरे हाय हाय करने की नौबत आने वाली है। मेरे मम्मी पापा सेल्फिश नहीं है, मैं ये बात प्रूव करके दिखाऊंगी। तेरे मम्मी पापा सेल्फिश हैं और तेरी केयर नहीं करते, ये तो बिना प्रूफ के पता चल जाएगा। लेकिन ये विशेष जो तेरे घर में रह रहा है, वो तेरा ट्रस्ट और तेरा केयर डिजर्व नहीं करता, ये तो मैं प्रूफ के साथ प्रूफ करूंगा। विशेष की असलियत का प्रूफ ले आया? हाँ, तो तू भी तो मुझे सबूत के साथ प्रूफ करने वाली थी ना कि तेरे मम्मी पापा वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हैं और तुझसे बेहद प्यार करते हैं। रेडी? आई डोंट सी नो प्रूफ। पहले तू बताएगा। नहीं, तू बता पहले। शाम की पार्टी के लिए आशीष की हेल्प करते हैं। बट पार्टी इनवॉल्व। पहले तू बता। तू। ऐसा सॉलिड प्रूफ लाया हूं ना मैं कि तुझे चक्कर आ जाएंगे और गिर जाएगी। और साहिल, मेरे मम्मी पापा का अपनी बेटी के लिए अनकंडीशनल प्यार देखकर तू अपनी एक्टिंग भूल जाएगा। आशीष, आप लोग टॉम एंड जेरी की तरह क्यों लड़ रहे हैं? साहिल, तुझे एक बात याद दिला दूं, आज 7 बजे तेरे 12 बजाऊंगी। ये बात 7 बजे देखेंगे। डन। सर, आपने जो मुझे प्रॉपर्टी डील की फाइल दी है, उसकी केस हिस्ट्री के हिसाब से ये जमीन हमारे क्लाइंट नहीं बल्कि डिफेंडेंट यानी कि उनके पड़ोसी की है।
डिफेंडेंट का मतलब तुम मुझे मत समझो, और सही गलत का फैसला तुम्हें नहीं करना है, वो हमारे क्लाइंट हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। जिनके वजह से तुम्हें यहां नौकरी मिली है, तुम उन्हीं पे लॉपन लगाओगे? वो नहीं होते तो तुम्हें नौकरी दे कौन रहा था? बड़ी मुश्किल से आशी की वजह से जॉब मिली है, इसे मैं जाने नहीं दे सकता। सॉरी सर, बताइए मुझे क्या करना है। ये एड्रेस लो, वहां हमारे कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, और वहां की बगल वाली जमीन की जो दीवार है उसे भी वही लोग तोड़ेंगे। तुम जाके वहां ढंग से काम खत्म करवा, कोई कुछ भी बोले, पुलिस को बुलाए, कुछ भी करे, मगर मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। आज शाम तक वो 300 फीट की डिस्प्यूटेड जमीन हमारे क्लाइंट के पास होनी चाहिए, काम खत्म हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? काम सही नहीं है, लेकिन आशी के पापा के कहने पर मुझे ये जॉब मिली है, किस मुंह से उन्हें ना कहूं। प्रभात कॉलोनी शिव मंदिर के पास। जय श्री राम आशी, जय श्री राम। भैया जी जल्दी से एक मार्बल का दिल बना दीजिए, पर उसे ना दो टुकड़ों में बनाना है, एक पे मम्मी लिखा हो और एक पे पापा। और हाँ, अब जो भी मार्बल चूज करो ना, एकदम दूध जैसा सफेद होना चाहिए, ठीक है? शुरू कीजिए। हमेशा घोड़े पर सवार होकर आती है, आज नहीं हो पाएगा, कल आना, आज बहुत काम है। भैया जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो क्या कहते हैं विनती, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज बना दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, आज तक तुझे जबलपुर में कोई ना कह पाया है? नहीं। शाम को आकर ले जाना, हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप ना बहुत ही क्यूट हो। जल्दी करना। कर रहा हूँ ना। कैसा टाइम? साहिल भैया मैंने ना सारा डाइनिंग टेबल सजा दिया। ओके। नहीं नहीं मतलब वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा सैलेड सजाया तूने, एकदम इंग्लिश लग रहा है। थैंक यू। तो सैलेड भी बन गया हुँ? लेकिन आशी तैयार होके नहीं आई। आशी मैं आ गई, मैं रेडी भी हूँ प्रॉपरली। ग्रेट, पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी है ना हुँ? पर किसी ने कुछ सोचा कि वेलकम के लिए क्या करेंगे हम लोग? मंडू ओके पकड़ मंडू, एक सुपर कूल आइडिया है, हम लोग ये रोज के पेटल्स दरवाजे के सामने रखेंगे पैन के पास, और जैसे ही अंकल आंटी आएंगे हम लोग पैन ऑन करेंगे और उनका वेलकम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होगा। लेकिन साहिल भैया आई एम कंफ्यूज, अभी तो आपने आशी दीदी के साथ शर्त लगाई थी कि मॉम डैड पार्टी में नहीं आएंगे, तो हमने ये सब किसके लिए किया? पंटू चैलेंज अपनी जगह और फ्रेंडशिप अपनी जगह। थैंक यू मेरे बेस्ट फ्रेंड, आई होप कि तेरा ये फ्रेंडशिप का स्विच हमेशा ऑन रहे। फ्रेंडशिप का स्विच तो हमेशा ऑन रहेगा, लेकिन चैलेंज का बटन भी ऑन है और तेरा हारना भी कंफर्म है, क्योंकि आज हम 7 बजे मम्मी पापा आकर ये प्रूव कर देंगे कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे बिना कोर्ट की रूलिंग के आप ये सब कैसे कर सकते हैं? देखो हमें अपना काम करने दो, तुमको जो कुछ पूछना है हमारे साहब से जाके पूछो। ए, पहले तुम धमकाना बंद करो। देखिए आप लोग हमें पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपको जो करना कर लीजिए। चलो। अरे सुनिए, अरे भाई साहब शांत हो जाइए, भाई बात सुनिए, सुनिए अरे भाई साहब बात तो सुनिए, भाई साहब सुनिए, मेरी बात तो मानिए, प्लीज शांत हो जाइए आप, हम भी किसी से मदद लेंगे, कोई ना कोई उपाय तो होगा।
क्या तो चाहिए? अरे क्या उपाय बचा है मम्मी जी, इतना सब कुछ तो हो रहा है, कब से कह रहे कि इस प्लॉट को बेच देते, मगर इस घर में हमारे पास सुनते कौन है? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। हेलो अंकल। हेलो आंटी, ये देखिए मैं आपके किरायेदार को ले आई। कमरा हम नहीं दे पाएंगे। भी बिजी होंगे। कोई नहीं, विशेष को कॉल कर लेती हूँ, उसे याद दिलवा देती हूँ कि टाइम पर आ जाए। छोड़ गया। आप लोग देख क्या रहे हो? कुछ तो करो। छोड़िए, मैं कर रहा हूँ। हेलो। हेलो विशेष, कैसा जा रहा है काम का पहला दिन? मैं मर जाऊंगा लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। एक्चुअली मैंने ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि शाम को 7 बजे तक घर आ जाना। मैं विष्णु अंकल को भी फोन कर रही हूँ पर वो उठा ही नहीं रहे। तुम सब नहीं होगे तो पार्टी कैसे होगी? मालूम है ना, आज स्पेशल वाला पेरेंट्स डे है। तुम लोग आ जाओ, फिर रॉकिंग सी पार्टी करेंगे, फुल ऑन सेलिब्रेशन करेंगे। आज कोई गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है,